Hello everyone. So today we have a new topic of class 11th. This is for NEET class 11th and for your biology in any preparation of exam. Okay? आज हम पढ़ेंगे, वैसे ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स स्टेम्स और लीव्स है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। बट मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू रूट्स स्टेम्स लीव्स ये सब यहाँ पर दी हैं ताकि आपको आसानी रहे व्हेन यू गोइंग टू रीड द चैप्टर थॉरली। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड देम इजीली। फाइन, तो आज हम किस किस की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रूट की, स्टेम की एंड लीव्स की, एंड वो भी किस फॉर्म में, जो ये रूट्स हैं स्टेम्स हैं लीव्स हैं ये सब डिफरेंट टाइप से मॉडिफाइड हैं, कुछ मतलब प्रोटेक्शन पार्ट्स के लिए, कुछ और किसी पार्ट के लिए। आज हम पढ़ेंगे जो एडिबल फॉर्म होती है इनकी, रूट्स की, स्टेम की, लीव्स की मॉडिफिकेशन की, द पार्ट और द फॉर्म ऑफ दीज पार्ट्स विच वी यूज इन आवर नॉर्मल ईटिंग प्रोडक्ट्स। ओके, वी यूज देम एज अ ईटिंग प्रोडक्ट्स, दैट काइंड ऑफ थिंग्स कॉल्ड एडिबल पार्ट। फाइन, सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में वो पार्ट जो एडिबल है, क्या है आपके एडिबल हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आप एग्जाम्पल्स बता देती हूँ कि ये रूट्स हैं एक्चुअल में, बट वी ईट दैम। फाइन, ओके, फर्स्ट वन है हमारा एस्पेरेगस। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा एस्पेरेगस। वैसे तो ये वाइल्ड होता है थोड़ा सा, बट सम ऑफ देम एनिमल्स और वी ह्यूमन बींग्स यूज देम एज अ फूड। नेक्स्ट है हमारा टर्निप। जो हमारा टर्निप होती है उसे हम एज अ फ्रूट खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होती क्या है, रूट होती है। नेक्स्ट है हमारा कैरेट। कैरेट भी हमारी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है विच यूज एज स्टोरेज इन द प्लांट। फाइन, नेक्स्ट है हमारा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी आपका क्या है, आपकी रूट है। फाइन, यू नो व्हाट, फ्रॉम देयर यू विल कम टू नो दैट विच एग्जांपल इज रूट, विच एग्जांपल इज स्टेम एंड विच एग्जांपल इज व्हाट, लीव्स। फाइन, नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आपकी क्या होती है, फर्स्ट है आपका पोटैटो। वेल, इनको हम डिस्टिंग्विश या फिर इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यू मे आस्क दिस क्वेश्चन टू मी हेयर। तो इसका ये रहता है, जो हमारी स्टेम्स हैं, हमें पता है जो हमारी स्टेम्स होती हैं उनमें नोड्स होते हैं, नोड्स के ही वहाँ से उनमें न्यू ब्रांचेस राइज होती हैं। तो आप कभी पोटैटो को देखेंगे ना, तो जैसे उसे रखे रखे बहुत दिन हो जाते हैं तो उसमें नोड्स निकल आती हैं, आईज, जिन्हें हम आई बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिंजर। जिंजर में भी जब वो उसे बहुत टाइम हो जाता है, व्हेन यू कीप इट इन अ ओपन एरिया देन इट विल स्टार्टेड ग्रोइंग, दैट पॉइंट इज नोन एज आईज और दैट पार्ट इज नोन एज नोड्स। तो उनकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि ये हमारे क्या हैं, एक्चुअल में ये हमारे स्टेम्स हैं बट हम इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी टर्मेरिक। फाइन, नेक्स्ट है हमारा जमीन कंद एंड लास्ट वन है कोलोकेशिया। ये सब क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल में, ये आपके एग्जाम्स में मल्टी मतलब मैच द फॉलोविंग के तौर पे आ जाते हैं। तीन चार आपको एग्जाम्पल्स दे दिए और तीन चार आपको उनकी फॉर्म्स दे दी कि रूट है, लीव्स है या फिर ये स्टेम है। तो वहाँ ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कराऊं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इन शॉर्ट नोट्स में पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन सा देती हूँ। नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशन क्या है, ये है आपका अनियन एंड गार्लिक। ये दोनों क्या होते हैं, एक्चुअल में ये लीव्स होते हैं लेकिन फॉर स्टोरेज के लिए ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और कंपोजिट बना लेते हैं, जिनसे कि ये हमें एक फ्रूट की तरह नज़र आते हैं, ठीक है। अब कुछ एक मतलब ये थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में वो दिया है जो हमने आज पढ़ा है। ऑल आर मॉडिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फॉर स्टोरेज पर्पज। फाइन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टोरेज पर्पज के लिए ये अपने मॉडिफाई करते हैं। दीज मॉडिफिकेशंस आर एडिबल फॉर अस। एडिबल मीन्स द पार्ट विच वी कैन ईट।
Fine. Next है, they play different functions from the main function of the part. Modification का मतलब क्या होता है कि जो actual में वो part है वो उसका function perform नहीं कर रहा है, उससे अलग function perform कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि they play different functions from the main function of the part. Thank you so much. If you think that it is informative, so please share it, like it if you like it this, if you like this video, and subscribe my channel for different topics. Thank you so much.